औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लव इलाक। आज हम बहुत अहम जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि आज तक आपने ये तो सुना होगा कि शौहर जो है हमेशा बीवी को हक मेहर देता है, अगर वो नहीं देता तो बीवी अदालतों में आ जाती है हक मेहर हासिल करने के लिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या शौहर जो है वो बीवी को जो हक मेहर देता है, क्या वो हक मेहर वापस भी ले सकता है? आज का हमारा टॉपिक है ये। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। हमारा टॉपिक था जी कि क्या शौहर जो है जो बीवी को हक मेहर देता है वो वापस ले सकता है, अगर ले सकता है तो वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसके तहत, या कौन से ऐसे हालात हैं कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो शौहर जो है वह अपनी बीवी से हक मेहर वापस ले सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको वो तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि वो जो शौहर जो है वो किस तरीके से बीवी से हक मेहर वापस ले सकता है। अच्छा देखें जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हक मेहर जो है, हक मेहर के हवाले से मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, हक मेहर मुअज्जल के भी और गैर मुअज्जल के बारे में। हक मेहर और मर्द जो है वो देता है, मुअज्जल वो एट द टाइम ऑफ मैरिज दे देता है और गैर मुअज्जल बाद जहाँ जो है वो औरत ले सकती है तलाक की सूरत में या शौहर के फौत होने की सूरत में। अब सवाल ये पता होता है कि जो हक मेहर मर्द ने शौहर ने बीवी को दे दिया है तो वो हक मेहर जो है वो वापस कैसे ले सकता है? इसमें सूरत ये होती है जी कि औरतें हैं कि जब मियाँ और बीवी आपस में डिस्प्यूट पैदा होता है और मर्द जो है वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देता, औरत जाके अदालत से खुला लेती है, तो वैसे तो रूटीन में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, औरत जो है वो जो हक मेहर लेती है वो मर्द को वापस नहीं करती। लेकिन ये जो मैं आपको हालात बता रहा हूँ ये एक ऐसी ये जो सूरत हाल है जिसमें औरत जो है मर्द जो है वो हक मेहर वापस ले सकता है। बता मैं ये रहा था कि जब भी औरत खुला का दावा करती है मर्द से खुला लेने के लिए, तो खुला का जब दावा डिग्री होता है तो कानून ये है कि वो जो औरत ने जो हक मेहर लिया होता है मर्द से, वसूल किया होता है, उसको वो वापस करना होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारा हक मेहर, अदालत पर डिपेंड करता है। सम टाइम अदालत जो है वो 25% करती है और सम टाइम्स आधा कर देती है। बहरहाल वो जितना भी अदालत डिग्री करे हक मेहर के जी औरत खुला उसी सूरत में ले सकती है, या उसकी जो है खुला जो है वो तकमील उस वक्त होगी, पूरा उस वक्त होगा खुला जब जो है ये इसका जो हक मेहर जो है वो जो भी अदालत ने जो मेंशन किया हो या उसमें फ़िक्स किया हो तो वो वापस करेगी, तो फिर खुला की डिग्री जो है वो पूरी होगी। तो इस सूरत में औरत को वो जो है वो वापस करना पड़ता है क्योंकि औरत ने खुद जाके खुला लिया है, तो इसलिए लॉ में ये है कि औरत जो है वो हक मेहर जो है वापस करेगी। इस सूरत में औरत को हक मेहर वापस करना पड़ता है। सिर्फ एक ही ये सूरत हाल है जिससे मर्द जो है औरत से वापस हक मेहर ले सकता है, इसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं है कि मर्द जो है वो औरत को हक मेहर देने के बाद जो है वो उसके वो हक मेहर जो है वापस ले ले। अब दूसरी बात यह है जी कि मर्द जो है वो हक मेहर कैसे वापस ले सकता है? हक मेहर वापस लेने के लिए अगर तो औरत हक मेहर ख़ुद वापस दे देती है तो ठीक है, अगर वो नहीं देती तो मर्द भी अदालत में जो है उसकी एग्जीक्यूशन फाइल करता है, इजरा फाइल करता है। ये एक केस होता है जो फाइल करना होता है अदालत के हुक्म की तकमील के लिए, तो वो इजरा फाइल करेगा और अदालत जो है इजरा में औरत को मजबूर करेगी, औरत को पाबंद करेगी कि जो अदालत ने हुक्म दिया है, जिस कदर भी हक मेहर वापस करने का हुक्म दिया है वो जो है हक मेहर वो मर्द को वापस किया जाए। फिर अदालत है वो अपने हुक्म की जो है वो उसकी तकमील करवाती है, उसको पूरा करवाती है और औरत जो है फिर वो इजरा में जाके औरत जो है वो उसकी मजबूर हो जाती है और पाबंद होती है कि वो जो हक मेहर अदालत ने डिग्री किया होता है वो मर्द को वापस करे। ये था जी एक तरीक़ाकार कि जी मर्द जो है वो औरत से हक मेहर वापस ले सकता है। और ये जो प्रोसेस जो है वो भी मैंने आपको बताया कि इजरा के ज़रिए जो है ये वो वापस हो सकता है। बाज़ औक़ात होता ऐसे ही है, डिग्रियां हो जाती हैं। नॉर्मली हमने कई दफ़ा देखा है मर्द इस बात की, नॉर्मली मर्द इस बात, क्योंकि हक मेहर मुअज्जल बहुत थोड़ा सा दिया होता है तो मर्द इस बात की परवाह नहीं करते, वापस नहीं भी लेते तो कहते हैं कोई बात नहीं। ये मैटर वहाँ पे होता है जहाँ पे हक मेहर मुअज्जल जो है वो बहुत ज़्यादा दिया गया हो, कोई जायदाद हो, कोई पैसे बहुत ज़्यादा हों,
कि जो जब अदालत वापस हुक्म कर देती है कि इसको वापस किया जाए, आधे वापस किए जाएँ, तो उस वक्त मर्द जो है वो कॉन्शियस होते हैं, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि औरत जो है वापस दे। अगर ख़ुद दे दे तो ठीक है, वरना तो अदालत जैसे मैंने बताया कि इजरा के ज़रिए भी उसको वापस दिलवा सकती है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक कि क्या मर्द जो है वो अपना हक मेहर वापस ले सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ गाई असल होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।